हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपकी कार की बैटरी डाउन हो जा रही है, जैसे कि मैंने कुछ पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ था, उस वीडियो में डिटेल में, कि आप उसको कैसे चेक कर सकते हैं कि अगर आपकी वो बैटरी डाउन हो रही है कि नहीं। क्योंकि यार, दो से तीन दिन चार दिन गाड़ी खड़ी करते हैं तो बैटरी डाउन हो जाती है। मगर जो एक सिचुएशन ऐसी आती है कि अगर हमारी कार ही बैटरी को चार्ज ना कर रही हो तो क्या करें, उसको कैसे चेक करें कि बैटरी प्रॉपर चार्ज हो रही है या नहीं। अगर आपके पास भी ऐसे कोई सिचुएशन आती है कि आप बैटरी चार्ज करवाते हैं, कुछ दूर तक जाते हैं, फिर वो बैटरी डाउन हो जाती है, तो उस वक्त आप क्या करें, कैसे चेक करें कि आपकी कार आपकी बैटरी को चार्ज कर रही है या नहीं। उसमें भी एक चार्जर लगा होता है, इंजन के साथ अटैच होता है, जिसको हम अल्टरनेटर बोलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे, चार ऐसे पॉइंट आपको बताएंगे कि आप अपने कार के अल्टरनेटर को कैसे चेक करें कि आपकी कार चार्ज हो रही है या नहीं। चार तरीके में बताने वाला, एक तरीका नहीं, चार तरीके से आप अपने कार के अल्टरनेटर को चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जो सबसे पहला तरीका है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपकी कार खुद ही आपको इंडिकेट कर देती है कि आपका अल्टरनेटर वर्क नहीं कर रहा है, आपकी बैटरी चार्ज नहीं हो रही है। तो वो सिंबल कौन सा है आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, किस तरह से चेक करना है। इग्निशन आपको ऑन करिएगा, तो इग्निशन ऑन करने के बाद आपको एक सिंबल दिख रहा होगा, ये बैटरी का। ये इग्निशन ऑन करने पर आता है, अगर नहीं आ रहा है तब भी आपके कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम है। इग्निशन ऑन करने पर लाइट आ रही है, और स्टार्ट करने के बाद मैं स्टार्ट कर दे रहा हूँ, ये लाइट हमारी चली जा रही है। ये माल फंक्शन लाइट है, इसमें कुछ इशू है वो मैं बाद में देख लूँगा। जो हमारी बैटरी वाली लाइट थी वो चली गई है। अगर इस कंडीशन में हमारी कार स्टार्ट है, इंजन स्टार्ट है, इस कंडीशन में अगर ये लाइट ग्लो कर रही है परमानेंट, तब आप समझिए कि आपका अल्टरनेटर बैटरी को चार्ज नहीं कर रहा है। सो गाइस, जो अगला तरीका है हमारा अल्टरनेटर चेक करने का, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये थोड़ा रिस्की चीज़ है, ये आप मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप इस तरह से चेक मत कीजिएगा। अगर कोई प्रोफेशनल बंदा है उसी को चेक करवाइएगा। ये चीज़ जो चीज़ मैं बता रहा हूँ काफ़ी रिस्की चीज़ है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली अपनी कार को एक बार स्टार्ट कर लेते हैं इंजन को, ठीक है। सो गाइस, इंजन स्टार्ट होने के बाद, स्टार्ट हो चुका है, अगर हमारा अल्टरनेटर चार्ज कर रहा है कि नहीं, कैसे चेक करें। तो जो इसकी जो पुली है जिस पर यह हमारी बेल्ट चल रही है, ये देखिए, तो इस पर एक मैग्नेट बनता है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। एक आपको इस तरह का स्क्रू ड्राइवर लेना है, काफ़ी सेफली इसमें टच करना है। ये मैग्नेट है, ये चिपका रहा है, ये अपनी तरफ खींच रहा है, तो मतलब कि ये अल्टरनेटर हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है इस तरह। ये रिस्की आइटम का चीज़ है, तो इसको प्लीज़ आप ऐसे चेक मत कीजिएगा, काफ़ी सेफली आप इसको चेक कीजिएगा। देखिए, अगर इसमें मैग्नेट कुछ आपको नहीं महसूस हो रहा है, बिल्कुल भी मैग्नेटिक इसमें फील्ड नहीं है, तो समझिए आपका अल्टरनेटर वर्क नहीं कर रहा है। और जो दोस्तों अगला जो मैं तरीका आपको बताने वाला हूँ, वो तरीका क्या है, आपको सिंपली इंजन को स्टार्ट करना है और बैटरी का एक नेगेटिव वाला टर्मिनल को रिमूव करना है, बैटरी के नेगेटिव वाले टर्मिनल से। तो इसको हम लूज़ कर लेते हैं, अब इसके बाद इसको हम हटा देते हैं। देखिए, इसको हमने हटा दिया, फिर भी हमारा इंजन स्टार्ट है। अगर ये हमारा अल्टरनेटर वर्क नहीं कर रहा होगा, तब हमारा इंजन तुरंत ही बंद हो जाएगा, जैसे ही हम इस टर्मिनल को रिमूव करेंगे। तो अगला ये तरीका हो गया, हमारा बैटरी चार्ज हो रही या नहीं, इस ये चीज़ें आप नोट करते रहिएगा। और इसके बाद जो मैं अगला तरीका बताने वाला हूँ, तो वो आप देखिए इसमें। तो गाइस, जो हम अगला तरीका बताने वाले हैं, उसके लिए आपको एक सिंपली एक मल्टीमीटर लेना पड़ेगा, और इसको आप 20 वोल्ट पे सेट करिएगा। 20 वोल्ट पे सेट करने के बाद आपको इसके दोनों जो प्रॉब हैं उनको बैटरी के नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल पे लगा दीजिए। सो गाइस, आप इसका वोल्टेज देख सकते हैं कितना आ रहा है, और स्टार्ट करने के बाद हम इसमें दिखाते हैं वोल्टेज बढ़ जाता है। अगर वोल्टेज नहीं बढ़ रहा है तो आपका अल्टरनेटर काम नहीं कर रहा है। तो हम गाड़ी को, इंजन को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, हमने इंजन स्टार्ट कर दिया है, अब आप इसके वोल्टेज देख सकते हैं, 14 वोल्टेज, 14.5 वोल्टेज इसका होना चाहिए इंजन स्टार्ट होने के बाद। अगर ये वोल्टेज नहीं आ रहा है, उतनी रीडिंग है 12 है या फिर 12 से कम है, तो आपका समझिए अल्टरनेटर वर्क नहीं कर रहा है। अगर इतना वोल्टेज आपका आ रहा है तो अल्टरनेटर ये वर्क कर रहा है। तो ये देखिए, इंजन स्टार्ट है और हमारे वोल्टेज इतना शो हो रहा है, बंद करने के बाद वोल्टेज कम हो जाएगा। सो गाइस, जैसा कि आपने देखा, हमने आपको डिटेल में बताया किस तरह आप अपनी कार की बैटरी अल्टरनेटर चेक कर सकते हैं।
और अगर आपके कोई और इशू आपकी कार में आ रहा है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, और हमारे कुछ पिछली वीडियो देख लीजिएगा जिसमें मैंने बैटरी ड्रेन प्रॉब्लम के ऊपर बनाई हुई है पहले से ही कि आपको कैसे चेक करना है, कैसे ट्रेस करना है कि बैटरी कहाँ से हमारी किस वजह से डाउन हो जा रही है। ये वीडियो हमारी बैटरी जो चार्ज नहीं हो रही उसके ऊपर रहने वाली थी, तो उस पर भी कई कंडीशन होती हैं, कभी ज़्यादा बैटरी चार्ज हो रही है, वोल्टेज ज़्यादा अल्टरनेटर दे रहा है, कभी कम दे रहा है, कभी दे ही नहीं रहा, तो कई कंडीशन होती हैं। आप उस तरह से आप मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं जिस तरह मैंने आपको इस वीडियो में बताया हुआ था। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पहली बार आए तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी वीडियोज़ अपने इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी और नेक्स्ट टॉपिक से, तब तक के लिए देखते रहिए अपना ही चैनल विनायक ऑटो इलेक्ट्रिशियन। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।